हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम स्टडी। मैं जयंत मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज से हम मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी दूंगा होमवर्क के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको इधर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है? सिपाहियों की एक टुकड़ी खोखले वर्ग में खड़ी की जा सकती है, प्रत्येक भुजा के साथ गहराई में 8 सिपाही हैं। कोई डाउट तो नहीं इस लाइन में? आगे, यदि उन्हें एक पूर्ण वर्ग अथवा ठोस वर्ग में खड़ा किया जाए तो पहले वर्ग से प्रत्येक भुजा में सिपाहियों की संख्या 32 कम हो जाती है। सिपाहियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग नहीं था। देखिए सेंटेंस आप पढ़ते जाइए, उसी हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना है, उसमें कुछ अलग नहीं है। क्या है? सिपाहियों की एक टुकड़ी एक खोखले वर्ग में खड़ी की जा सकती है। खोखला वर्ग माने ऐसे कुछ होगा, ये इस खोखले वर्ग में खड़ी की जा सकती है, यहां पर खड़ी होगी ये, क्लियर। सिपाही यहीं तो खड़े होंगे, अंदर तो खड़े नहीं होंगे, अंदर होते तो ये ठोस वर्ग हो जाता, खोखला वर्ग है। आगे पढ़ते हैं, प्रत्येक भुजा के साथ गहराई में 8 सिपाही हैं। माने गहराई मतलब यहां से लेके ये गहराई की बात करें तो 8 है, यहाँ से लेके ये गहराई की बात करें तो 8 हैं, यहाँ से लेके ये गहराई की बात करें तो 8 हैं, और यहाँ से लेके इस गहराई की बात करें तो भी 8 सिपाही सभी जगह गहराई में हैं। बस इसी पॉइंट को आपको पकड़ना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या गहराई में 8 सिपाही खड़े हैं प्रत्येक भुजा के साथ, यदि उन्हें एक पूर्ण वर्ग अथवा ठोस वर्ग में खड़ा किया जाए। अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं एक ठोस वर्ग, सॉलिड स्क्वायर में। अब यही सिपाही ये जो थे, ये जो छायांकित भाग दे रखा था, जो शेडेड पोर्शन था, उसी के सिपाही हमें एक पूर्ण वर्ग में आ गए, तो अब की बार तो ये पूरा एरिया ले जाएंगे ना, अब तो पूर्ण वर्ग में खड़े किए गए, सॉलिड में, ठीक है। तो बोल रहा है प्रत्येक भुजा में सिपाहियों की संख्या 32 कम हो जाती, तो यहां पे पहले जितनी थी ये हमें लेट करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि पहले जो भुजा में, प्रत्येक भुजा में सिपाहियों की संख्या थी x, x इधर, x इधर, x इधर, x इधर, क्लियर। तो अब जो है वो प्रत्येक भुजा में सिपाहियों की संख्या 32 कम, सॉलिड में x माइनस 32, ये होगी भुजा। यहां तक कोई डाउट आपको? यहां तक, जहां तक मैंने अभी कुछ बताया आपको, क्या कि गहराई के साथ 8 सिपाही खड़े थे, ठीक है। इसके बाद की बात क्या है कि हमने बात की कि हाँ, गहराई में 8 सिपाही खड़े थे और यहाँ पर शेडेड पोर्शन ही तो आएगा, क्यों? क्योंकि अगर अंदर का होता तो ये खोखला वो स्क्वायर बोलते क्यों, तब तो सॉलिड बोल देते, ठोस वर्ग बोल देते, उसकी बात तो हुई नहीं। तो हमें यहाँ पर बस इसी को देखना था, क्या कि मान लीजिए प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है इस वर्ग की एक्स है, ठीक। अब इसी को सॉल्व करते हैं, इधर क्या होगा देखिएगा, प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर x है तो यहां पे सिपाहियों की संख्या ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही तो होगा। मैं बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें इजीली समझ आए, क्या प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर x है और प्रत्येक भुजा में गहराई में 8 सिपाही हैं, तो जो छायांकित भाग है यही तो सिपाही है, बाकी तो है नहीं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्या आएगा देखिएगा, एक्स ये, ठीक। अगर हम बाहर वाले से अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते, छायांकित बचेगा, बाहर वाले का क्या होगा, x इंटू एक्स, या जब वही जो हम डायरेक्टली लिखते हैं स्क्वायर का, क्या x स्क्वायर, ठीक। इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें अंदर वाले को, तो अंदर वाले की साइड कैसे आएगी, नॉर्मल सी बात है कि टोटल x है, 8 इधर है, 8 इधर अंदर है, तो ये कितनी आ गई, x माइनस 16, तो ये होगा x माइनस 16 का होल स्क्वायर। ये आया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बोल लो या बोले सिपाहियों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दूसरी बात, अगर हम इसको देखें, ये जो हमें दूसरा दिया गया x माइनस 32 जिसकी भुजा थी, तो ये सॉलिड है, इसका अगर हम एरिया निकालें तो इसका एरिया तो नॉर्मल आ रहा है x माइनस 32 का होल स्क्वायर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब यहां पर ये ध्यान दीजिए, ये जो हमने निकाला है ये है क्या,
सिपाहियों की संख्या ही तो निकाली है, क्लियर। और ये जो हमने निकाला x माइनस 32 का स्क्वायर, ये भी तो हमारी सिपाहियों की संख्या ही तो है, और तो कुछ हमने अलग निकाला नहीं, और तो कुछ नहीं निकाला ना। क्यों? अब देखिए भाई, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यहाँ कम थे यहाँ ज़्यादा थे, तो कम ज़्यादा नहीं यार, सिपाहियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में 32 कम हुई है, टोटल की बात नहीं बोली है। टोटल तो उनका शेप चेंज करोगे तो कम तो हो ही जाएगी यार, खोखले में खड़ी थी तो ज़्यादा लंबे खड़े होंगे, नॉर्मल सी बात है, सॉलिड में आएंगे तो छोटे हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल ही तो होंगे, खत्म। दो इक्वेशंस हैं, आपस में एक ही वेरिएबल है, सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन, सॉल्व आपको ही करना पड़ेगा, देखिए सॉल्व मैं नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अपनी दिख रहा होगा, क्या है देखिएगा, कि सेब का एक व्यापारी पहले ग्राहक को अपने कुल सेबों में से आधे सेब और एक सेब का आधा बेचता है, मतलब समझ रहे हैं ना। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा उसको, कि हाँ, दूसरे ग्राहक को बाकी बचे सेबों में से आधे सेब और एक सेब का आधा बेचता है, इस प्रकार वह तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को भी बेचता है, अंत में उसके पास तीन सेब बच जाते हैं, ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। पांच व्यापारियों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी पांच लोगों को बेच रहा है, तो एक इमेजिन करते हैं यहाँ पे, देखिए माना प्रारंभ में उसके पास इतने सेब थे, एक्स वाई जेड क्यों माने, ठीक है, एक मैं बता रहा हूँ आप एक्स वाई मान के करेंगे क्यों, उससे नहीं, मैं दूसरा मेथड, माना इतने सेब थे, तो उसने पहले को इतने का आधा प्लस आधा सेब बेचा, पहले को उसने इतना दिया तो उसके पास बचा कितना, भाई इतने में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें यही तो बचा, अब इससे फिर से इसका आधा करेंगे, फिर वो करेंगे, वो लंबा बहुत हो जाएगा यार, अपने वो नहीं करना है, ठीक है ना, अपने को शॉर्ट मेथड पे अप्रोच करनी है कि कैसे हम जल्दी पहुंचें। इसके लिए उल्टा आप रिवर्स चलिए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, लास्ट में सबके लिए वो क्या कर रहा था, कुल सेबों में से आधे सेब तथा एक सेब का आधा बेच रहा था, और पांचवें को बेचने के बाद उसके पास तीन सेब शेष बचे, पांचवें को बेचने के बाद उसके पास तीन सेब शेष बचे, तो तीन शेष बचे, एक नॉर्मल सोचिए, हम कर क्या रहे थे, मैं क्या कर रहा था कि जो टोटल मेरे पास था उसका आधा और आधा सेब आपको दे रहा था, और उसके बाद मेरे पास तीन बचे, अगर मैं उसके पहले का निकालूं, ये है पांचवें को बेचने के बाद, आफ्टर सेलिंग टू फिफ्थ पर्सन, ठीक है, ये उस केस में है, तो हम क्या करेंगे कि हाँ तीन सेब, अब मैं कर क्या रहा था, फिर से मैं ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पास जितने भी सेब थे उसका आधा आपको दिया और उसके बाद एक सेब का आधा आपको दिया, तो उसके पहले का मैं देखूं तो पहले तो जो आपको आधा दिया है वो मैं लूंगा, मतलब अगर लास्ट में तीन थे तो उसमें एक जो आधा मैंने आपको दिया पहले तो वो लिया, फिर मेरे पास जितने थे उसका टोटल का आधा आपको दिया था, टोटल का आधा आपको दिया था, तो अगर वही आधा आपसे वापस लूंगा तो मेरे पास डबल हो जाएंगे ना, फिर से दुगने, तो ये हो जाएगा इसका डबल, जो कि आ जाएगा सेवन, ये सेवन होगा आफ्टर, नहीं बिफोर सेलिंग टू फिफ्थ पर्सन, पांचवें व्यक्ति को बेचने से पूर्व मेरे पास कितने सेब थे, सात, आ गया। इसी को आगे कंटिन्यू सॉल्व करते जाइए इसी मेथड से, क्या चौथे को बेचने के पूर्व इंटू टू, इसकी वैल्यू आएगी 15, ठीक है, तीसरे को बेचने से पूर्व इंटू टू 31, ठीक है, उसके बाद दूसरे को बेचने के पूर्व 63, चेक कर लीजिएगा, देखिए कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो कैलकुलेशन की मैं गारंटी नहीं लेता, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन आपको कॉन्सेप्ट मेन है मेरा एम, ठीक है, 63 प्लस हाफ, ये पहले को बेचने के पूर्व, ये हो जाएगा 127, ये थे उसके पास टोटल से नंबर ऑफ एप्पल्स, क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक फिगर बना रखा है, लिखा है दी गई आकृति में PQR एक वृत्तखंड है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है वृत्तखंड में एक वृत्त को अंकित किया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए इसको थोड़ा सा बस समझना है, CGL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमें दे रखा है एक वृत्तखंड, ठीक है, और इस वृत्तखंड में एक वृत्त बना है जो सारी भुजाओं को टच कर रहा है, नाम दे दिया PQR, क्लियर, जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है, ये हमें दिया गया है 7, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, उसमें कोई अलग बात नहीं है, ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। इस अंदर जो वृत्त बना है, ये जो वृत्त है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकलेगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर यहां पर इसका सेंटर O है, यहां पर इसका अगर सेंटर O है तो अंदर वाले वृत्त की हम बात करें तो इसकी त्रिज्या अगर हमने R लेट कर ली तो यहां से इसको मिलाएं, ये 90 पे करेगा, क्यों? क्योंकि ये जो QR है ये वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा त्रिज्या से हमेशा लंबवत होती है, तो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, और ये त्रिज्या होगी R, यहां से अगर इसको मिलाएं ये भी 90 बनेगा, त्रिज्या होगी R, ठीक है, टच नहीं कर रहा है फिगर में, वो फिगर सही से बन नहीं पाया, एक्चुअली में टच कर रहा है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये तो R हो गया, अच्छा तो ये भी R होगा, ये भी R होगा क्योंकि ये तो एक स्क्वायर बन गया ना यार, क्लियर, ये स्क्वायर बन गया। अब थोड़ा सा बस यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या कि अगर हम इसको मिलाएं, क्या Q से एक मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट ले लिया M, QM को मिलाया तो QM जो है वो इस त्रिज्यखंड की रेडियस है, कैपिटल R है, मतलब 7 ही तो रेडियस दे रखी है ना इस बड़े वाले त्रिज्यखंड की जो एक चौथाई है टोटल का, ठीक है, और इसकी त्रिज्या है R, तो देखिएगा यहां से थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, क्या यहां से यहां तक की ये रेडियस दी गई है हमें R, यहां से यहां तक की भी ये रेडियस होगी R, यही पॉइंट तो हमें दिक्कत कर रहा है केवल, यही नहीं पता है, लेकिन अगर हम स्क्वायर को देखें, इस स्क्वायर को देखें तो इसकी भुजा है R, इसका ये विकर्ण क्या होगा, QO क्या होगा, इसका विकर्ण होता है R रूट 2, क्वेश्चन खत्म, QO प्लस OM, ध्यान दीजिएगा QO प्लस OM इज इक्वल टू QM होगा या नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है, होगा, QO क्या है R रूट 2, ठीक, OM क्या है R रेडियस, और QM क्या है कैपिटल R जो कि दी गई है हमें 7, खत्म क्वेश्चन, इससे निकालिए R इज इक्वल टू 7/√2+1, या इसका जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√2-1, क्षेत्रफल पूछा है पाई आर स्क्वायर लगा करके, सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, खत्म ये भी क्वेश्चन। अच्छा इसी कॉन्सेप्ट पे लगभग बेसिस एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, बढ़िया क्वेश्चन है, CGL में पूछा तो नहीं गया है बट अगर पूछा जाए तो मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे बता सकते हैं, क्योंकि देखिए कठिन पढ़ना सबको है बट अगर खुद को करने को दे दो तो नहीं करते लड़के, ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्या बड़ा फिगर बनाता हूं मैं, एक स्क्वायर है ये, ठीक है, स्क्वायर लग रहा है, आयत तो नहीं लग रहा ना, इधर से लंबा हो गया थोड़ा, ये ठीक, एक स्क्वायर है, इस पे दो त्रिज्यखंड बनाए गए हैं, इधर से एक तो ये है और एक ये, क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, नेमिंग कर लेते हैं, स्क्वायर है ABCD, ठीक है, तो एक में तो सी सेंटर मान के CD से एक वृत्त खींचा गया ये एक चौथाई भाग, एक में डी को सेंटर मान के DC से एक वृत्त खींचा गया ये एक चौथाई भाग, ठीक है, अगर आयत की ये भुजा ए हो, सॉरी वर्ग की, इस वर्ग की ये ABCD एक वर्ग है, आयत नहीं, सॉरी अगर मुझसे निकल गया मेरे धोखे, तो ये वर्ग है, ठीक है, अगर इस वर्ग की एक भुजा ए हो तो एक यहां वृत्त बना है ये छुटंकु छोटे मियां, ठीक, और एक यहां पर वृत्त बना है ये बड़े मियां है, ये टच कर रहे हैं दोनों साइड्स को,
ठीक है, यहाँ पर ये टच कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, तो ये जरा मुझे बताइए कि r1 रेशियो r2 क्या होगा। क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या देखिएगा, एबीसीडी एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है, इसमें दो त्रिज्यखंड बनाए गए हैं, एक वृत्त यहां पर इनको स्पर्श कर रहा है, एक वृत्त यहां पर इनको स्पर्श कर रहा है, तो R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, तो R1 रेशियो R2 आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, ठीक है। फिलहाल अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको बताइएगा जरूर, खासकर वो बच्चे जिनकी डिमांड आई थी कि नहीं सर बहुत वैसे क्वेश्चन कराते हो आप, इजी इजी थोड़ा अच्छे लेवल के कराओ, तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है, ये क्वेश्चन कि कैसे क्या हुआ, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, एक समषटभुज आकार का एक भूखंड आ रहा दिख रहा होगा आपको, जिसकी प्रत्येक भुजा 12 मीटर है, इसके मध्य एक समषटभुज आकार का एक फूल का बगीचा है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 मीटर है, तथा इन दोनों समषटभुजों के भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, उस भूखंड की प्रत्येक भुजा से बगीचे की प्रत्येक भुजा तक जाने के लिए 60 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, क्लियर। सभी रास्तों का कुल क्षेत्रफल क्या है, ठीक। देखिए बेसिक में बताता हूँ, ये भी मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए ही दूंगा, ठीक। बेसिक में बताता हूँ क्या होगा, देखिए एक समषटभुज है पहले तो वो बनाते हैं, ये ठीक नेमिंग कर लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, एक समषटभुज आकार का एक भूखंड है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 है, तो ये भुजा एक कोई सी लिख लेते हैं 12, ठीक। आगे इसके मध्य एक समषटभुज आकार का एक फूल का बगीचा, इसके मध्य एक और बगीचा है, ये इसके मध्य एक बगीचा है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 मीटर है, तो इस अंदर वाले समषटभुज की भुजा है 3 मीटर प्रत्येक भुजा, ठीक है, तथा इन दोनों समषटभुजों की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, मैंने वैसे ही बनाया। आगे उस भूखंड की प्रत्येक भुजा से बगीचे की भुजा तक जाने के लिए 60 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, माने ये जो चौड़ान है, ये जो चौड़ान है, ठीक है, इसके कितनी दी गई है 60 सेंटीमीटर इसके बीच में चौड़ा रास्ता है, ठीक है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सॉल्व आपको करना होगा, ठीक। क्या है बेसिक, देखिए इसको एक करने का मेथड कैसे करेंगे भाई, हमें बताना क्या है, नॉर्मल सा आप क्वेश्चन देखिए, बताना है सभी रास्तों का कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल देखिए इसका सेंटर ओ होगा, चाहे बाहर वाले का ले लीजिए चाहे अंदर वाले का ले लीजिए, क्योंकि दोनों समांतर हैं, सर्वांग समा जाएंगे, ठीक है। इससे इसको मिलाएंगे, इसके इसको मिलाया, ठीक, ये इस पे डाला लम, चाहे इस पे बोल दें चाहे इस पे बोल दें। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या ये 12 है, बाहर वाले की भुजा 12 है, क्लियर, समषटभुज है ये, समषटभुज, तो टोटल केंद्र पे कोण कितनी बजाएंगे, छहियों भुजाएं 360 डिग्री, ये छहियों भुजाएं, ये अगर हम सारी केंद्र पे मिलाते हैं, माने ये मैं कह रहा हूं, अगर जैसे ये बना है ऐसे 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 ये मिला दें, तो ये टोटल केंद्र पे कितना एंगल बनाएंगे, 360 डिग्री, छह भुजाएं मिलकर केंद्र पर 360 डिग्री का एंगल बनाएंगी, एक भुजा केंद्र पर कितना एंगल बनाएगी, ये नॉर्मल सी बात है 60 डिग्री, क्लियर, समझ आ रहा है। मैं फिगर बड़ा बनाता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है छोटा है, अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा, जल्दी से मैं फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ये ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि यहां से केंद्र से इसको मिलाया, इसको मिलाया, ये अगर 12 दिया गया है, समषटभुज की छहों भुजाएं केंद्र पर 360 डिग्री बना रही हैं, तो ये कितना बनाएगी, 60 डिग्री, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, ये 60 और ये दोनों तो इक्वल होंगी ही होंगी, तो ये भी 60 और ये भी 60, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। अब देखिएगा ये 60 60 60, तो ये बन गया एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज,
तो समबाहु त्रिभुज का एरिया, देखिए कॉन्सेप्ट हम ये निकाल लें कि बड़े वाले से इस अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा, एक का आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबका आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है इसका, तो बड़े वाला समबाहु त्रिभुज बन गया, तो ये हो जाएगा रूट 3/4 इंटू 12 का स्क्वायर। ये तो हमारा बड़े वाले का एरिया आ गया। अंदर वाले का अगर हम एरिया देखें तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कीजिए, अंदर वाले की भुजा कितनी दी गई थी, 3। अंदर वाले की भुजा 3 दी गई थी, माने ये जो है अंदर वाले की, ये ध्यान से देखिएगा ये 3 है। कल से मैं मार्कर के कलर्स भी चेंज करूंगा, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, सारा ब्लैक से हो जाता है, ब्लैक रेड ब्लू सारे मिक्सअप करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा ये 60 था, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये भी 60, ये भी 60, तो ये फिर से 3 और 3 हो गया, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। तो इसका क्षेत्रफल हो गया रूट 3/4 इंटू 3 का स्क्वायर, क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब क्या करना है हम लोगों को कि इससे इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे जहां आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तुरंत हमें क्षेत्रफल मिलेगा इस एरिया का, जो शेडेड पोर्शन है इसमें, इस शेडेड पोर्शन का एरिया मिलेगा। ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी, तो ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, ये रहा, क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, इसके अंदर 3 अन्य संकेंद्री वृत्त इस प्रकार हैं कि वृत्त का अंतः भाग 4 समान क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है, इन तीनों संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिएगा इसको आप, इसको भी होमवर्क पे देता हूं, ठीक है। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक वो वर्ग वाला जो बताया था त्रिज्यखंड, एक वो, एक ये जो लिखा हुआ है, और एक क्वेश्चन ये, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24√3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर 2 अन्य समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाई जाती हैं कि अंतः भाग 3 बराबर भागों में, बराबर क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है, सबसे छोटे समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है। ये दोनों क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये तीनों क्वेश्चंस के मुझे सॉल्यूशन बताइएगा कमेंट में ज़रूर, ठीक है। सॉल्यूशन मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वही है ना, बोलने में बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं कठिन क्वेश्चन कराओ, कठिन क्वेश्चन कराओ। हालांकि मैं ये सारे CGL के भी वाले लाया हूँ, तमाम YouTube चैनल्स ऐसे हैं जो कैट के क्वेश्चंस उठा उठा के करा रहे हैं। कैट का लेवल CGL का लेवल अलग है यार, किस कैट के क्वेश्चन CGL में नहीं पूछे जाएंगे। 2017 में भी क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते, कैट का लेवल नहीं था उसमें, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर होते, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते तो आप इजिली उन क्वेश्चंस को भी कर सकते थे, बट वही है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं करते, हमें तो हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए डायरेक्ट। यार पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो, हाई लेवल क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, आंसर्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल एग्जाम स्टडी, थैंक यू।